अब हम इस पे चीज़ स्प्रेड करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलाइट योर टेस्ट बर्ड्स। आज मैं एक ऐसी डिश बनाने वाली हूँ जो सबको पसंद आती है, जो कलरफुल है और देखते ही खाने का मन हो जाता है, जो आप कभी भी बना सकते हो और स्टार्टर के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो आज मैं बना रही हूँ स्टफ्ड कैप्सिकम एक नई स्टफिंग रेसिपी के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। तो मैंने एक पैन गरम करने के लिए रखा है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे। तो ऑयल ले लिया है, अब मैं उसमें अब उसको गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब मैं उसमें जिंजर पेस्ट डाल रही हूँ। अब मैं उसमें टमाटर डाल रही हूँ। मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, उसके सीड्स निकाल के फाइनली चॉप्ड कर लिया है। अब मैं इसमें 1/3 कप स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ। थोड़ा भून लेंगे। अब हम इसमें थोड़े मसाले डालते हैं। 1/2 स्पून चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। 1/2 स्पून सौंफ पाउडर डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1/2 स्पून मरी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और मिक्स कर लेते हैं। ये स्वीट कॉर्न मैंने थोड़ा बॉईल करके डाला है, अब थोड़ा भून लेंगे। अब मैं इसमें 1 कप पनीर डाल रही हूँ। मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया है। थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए थे और बॉईल कर लिया था, और अब इसको मैश कर लिया है। अब थोड़े मसाले करते हैं। सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार डाल लीजिए। थोड़ा धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ा रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर थोड़ा कम डाल रही हूँ, हमने चिली फ्लेक्स भी डाले हैं। जीरा पाउडर 1/2 स्पून, 1/2 स्पून गरम मसाला, और 1/2 स्पून आमचूर पाउडर। अब सब मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा मसाला मिक्स हो गया है, स्टफिंग रेडी है। अब हम इसको कवर करके 5 मिनट तक पकाएंगे, स्लो फ्लेम रखेंगे। 5 मिनट हो गया है, चेक करते हैं। हमारा स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे, तब तक हम कैप्सिकम को रेडी कर लेते हैं। तो मैंने कैप्सिकम लिए हैं, मैंने 3 कलर के कैप्सिकम लिए हैं। आपके पास नहीं हो तो आप कोई 1 कलर के भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसको बीच में से हाफ कट करेंगे ऐसे। ऐसे हाफ करना है, ऐसे हम ये दोनों को भी कर लेंगे। तो मैंने तीनों कैप्सिकम को हाफ कर लिया है। अब हम इसमें से सीड्स निकाल देंगे, ऐसे पकड़ के इधर से निकाल लेना है।
ऐसे पूरा खाली कर लिया है, ऐसे ही हम सब में से सीड्स निकाल लेंगे। तो मैंने सारे सीड्स निकाल लिए हैं। देखिए, मैंने पहले भी एक स्टफ्ड कैप्सिकम की रेसिपी शेयर की थी, उसकी स्टफिंग भी बहुत ही अलग थी और इसकी स्टफिंग भी बहुत ही अलग है, दोनों अलग डिफरेंट रेसिपी है। तो आप उस वो वीडियो की रेसिपी की लिंक मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो हमारा स्टफिंग ठंडा हो गया है, अब हम इसको फिल करते हैं। इसे दबा दबा के भरेंगे, और भी नहीं भरना है लेकिन इसके लेवल का भर देंगे। तो सारे कैप्सिकम फिल कर दिए हैं, अब हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। तो मैंने पैन गरम करने के लिए रखा है, अब मैं उसमें 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को अच्छे से गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब मैं उसमें कैप्सिकम रख रही हूँ। हम ये स्टफिंग वाला पार्ट नीचे रखेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और हमारा स्टफिंग लॉक हो जाए। अब हम स्लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। चेक कर लेते हैं, नीचे से अच्छे से पक गया है। अब हम इसको टर्न कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम नीचे अच्छे से पकाएंगे स्लो फ्लेम पे 10 मिनट तक। तो चलिए नीचे से चेक करते हैं, नीचे से भी अच्छे से पक गया है। कैप्सिकम को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, वो क्रंची ही अच्छे लगते हैं। देखिए अच्छे से पक गया है नीचे से। अब हम इस पर चीज़ स्प्रेड करेंगे, इसे थोड़ा थोड़ा चीज़ लगा देंगे। अब इसको कवर करके 2 मिनट तक पकाएंगे। दो मिनट हो गया है, चेक करते हैं। हमारा चीज अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो हमारा स्टफ्ड कैप्सिकम रेडी है। गैस ऑफ करते हैं, मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो हमारे स्टफ्ड कैप्सिकम रेडी है। आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।